खुला पड़ा हुआ है तो प्लास्टिक। मेरा ड्यूटी था सर शाम 6 से सुबह 6, तो मैं ड्यूटी कर रहा था तो मिडनाइट में पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग के दौरान वो मेरा आंख के सामने पब्लिक हल्ला करने लगा और कुछ आग ऐसा गाड़ी के अंदर जलने लगा। वो गाड़ी आया था 3:15 में करीबन, बोकारो LFP 3352 ट्रेन नंबर सर। तो उस समय जब आया गाड़ी तो पब्लिक हल्ला करने लगा, तो इमीडिएट मैं स्पॉट पे पहुंचा और पहुंचने के बाद देखा तो चप्पल में और कुछ बैग में आग जल चुके थे। तो मेरे मन में ये था कि सबसे पहले आग बुझाया जाए, नहीं तो वो रैगजिन का रहता है ट्रेन बॉगी का, तो वो जल सकता है और परेशानी हो सकता है। तो मैं उसको बुझाया मेरे हाथ से लात से, और जहाँ से वोला निकल रहा था उसको मैं लात मार दिया। लात मारने के बाद देखा तो वो पॉइंट पर भी कुछ जल रहा था, तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। और दो चप्पल में हैवी आग जल चुका था तो उसको भी मैं बाहर फेंक दिया, और कुछ बैग में है उसको भी पानी वानी देकर बुझा दिया। और बुझाने के बाद सर पूरा सामान जब नीचे आ गया, नीचे आने के बाद मैं मेरा इंचार्ज को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया सर। जी सर, किसमें था? बोगी नंबर S3 था सर। बर्थ का नंबर? बर्थ नंबर 72 था सर। हाँ, तो क्या ये मतलब ट्रेन का अंदर बैग में था? जी सर, बैग में नहीं, पॉलीथीन में था, वाइट पॉलीथीन में सर वो, और वो पॉलीथीन सहित मैं बाहर फेंका उसको। जैसे सर फेंकने के बाद नीचे ज़मीन पे तो 6 बम था, बम है कि क्या मैंने कंफर्म नहीं बोल सकता। तो फेंका, लेकिन पब्लिक को मैंने आश्वासना दिया कि कुछ ऐसी बात नहीं है, आप लोग आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ट्रेन यहाँ कुछ टाइम रुका क्या सर? हाँ, करीबन 20 मिनट रुक गया सर। तो पब्लिक में अफरा तफरी ना पहुँचे बोल के हम लोग भी चाहते हैं कि सर। हम लोग कंटिन्यू बॉगी चेक किए, लेट्रिन बाथरूम सब कुछ चेक करने के बाद हम लोग भी एश्योरेंस हुए कि थोड़ा मोड़ा कंट्रोल में। तो थैंक यू।